हे वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएलसी इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, पता है आज आपको बहुत ही बढ़िया एक खतरनाक टिप्स दे रहा हूँ, विल और वुड में क्या अंतर है। आप अक्सर मॉडल्स का यूज़ करते हो और मॉडल्स में यूज़ में गलती हो जाता है, आप कन्फ्यूज कर जाते हो कि कब विल लगाना है और कब वुड लगाना है। उस कन्फ्यूजन को आज मैं दूर करूँगा और आज आपके अंदर एक क्रांतिकारी घटना घटेगी। आज का दिन और अभी 10 मिनट के अंदर आप फील करोगे, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, गर्व महसूस करोगे कि आखिर ये माइनर डिफरेंस क्या है। एक एक कर डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, एक एक कर कॉपी कलम निकालो, अभी निकाल लो और निकाल के सारा चीज नोट डाउन कर लो। अभी दिखाऊंगा विल और वुड में क्या अंतर है। कोई भी भविष्य घटना, पहले देखो विल और वुड का माइनर डिफरेंस। विल भविष्य की घटनाओं को बताता है, हिंदी में पढ़ते हैं जिसके अंत में गागेगी। भाई गागेगी जहां भी लगा रहा है, फ्यूचर तो होगा ही होगा, लेकिन विल वही लगाएंगे जो भविष्य की फ्यूचर प्लान हो। यानी आप कह सकते हो कि फ्यूचर प्लान एक्शन के साथ हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी फ्यूचर का प्लान हो, फ्यूचर का एक्शन हो, हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद विल लगा दो, फर्स्ट फॉर्म लगाना ऑलवेज, और इसके साथ आप बोल सकते हो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आप इसके साथ जितना सेंटेंस चाहो आप प्रयोग कर सकते हो। हमने बोला आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, शी विल मीट मी टुमारो। तो कहीं भी आप विल का प्रयोग कर सकते हो, आई विल मीट यू टुमारो, शी विल मीट मी टुमारो, तो क्या है, फ्यूचर प्लान है। अब प्रश्न उठता है कि विल और वुड में ये माइनर डिफरेंस क्या है। ध्यान देना बच्चे, मैं एक एक कर पढ़ाऊंगा डिटेल, एक एक कर बताऊंगा, पूरा क्लास विल और वुड पर ही चलने वाला है, लेकिन दोनों में अंतर करते चले फटाफट। तो विल फ्यूचर प्लान एक्शन को शो करता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस भीवन प्लस अदर वर्ड, इसका हिंदी सेंस गा गे गी, आप हिंदी में निकाल सकते हो, चलेगा काम। अब प्रश्न उठता है कि वुड का प्रयोग कहां करें, तो वुड का सेंस भी गा गे गी होता है, लेकिन ये माइनर डिफरेंस बता रहा हूं आपको कि दोनों में अंतर थोड़ा सा क्या है। तो वुड का प्रयोग फ्यूचर प्लान में करना, यह भी फ्यूचर एक्शन को शो करता है, यह भी फ्यूचर एक्शन को शो करता है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है। तो इसमें और उसमें अंतर यह है कि अगर फ्यूचर में चॉइस हो, सिलेक्शन हो, जैसे किसी 10 चीज में एक चीज को चुनना हो, तो उसमें विल नहीं वुड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, विल नहीं वुड का प्रयोग करेंगे। कैसे सर, स्ट्रक्चर दोनों का सेम, सब्जेक्ट के साथ वुड लगा दो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड लगा दो। मैं एक एक चीज को बोलता भी हूं, एक एक चीज को लिखता भी हूं, ताकि आप समझ जाओ और पूरे तरह से हर बच्चे को सिखाओ। हमने कहा फ्यूचर में क्या हो बेटा, चॉइस सिलेक्शन, तो क्या प्रयोग करो वुड का। कैसे सर, जैसे आप कहोगे मैं कॉफी पीऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा, तो जहां पे आपने कहा मैं कॉफी पीऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा, तो वहां पे विल लगाना गलत हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि विल फ्यूचर के एक्शन को दिखाता है और वुड चॉइस को दिखाता है। तो आपको बोलना चाहिए, यहां तक आपको बोलना चाहिए कि आई वुड टेक कॉफी, आई वुड टेक कॉफी, आई वुड टेक मिल्क, बस मेरे हो। तो आई वुड टेक यानी वुड कहां लगाया आपने, चॉइस में, कहां लगाया आपने, सिलेक्शन में। तो जब चॉइस और सिलेक्शन हो, जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछा कि आप क्या पीना पसंद करेंगे, तो उसके लिए भी वुड का प्रयोग करेगा। व्हाट वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक कॉफी और टी, तो आपको बोलना चाहिए आई वुड लाइक टू टेक कॉफी, आई वुड लाइक टू टेक टी। तो आप कुछ भी जो पसंद करोगे, ध्यान देना, पीने के लिए हम लोग टेक का प्रयोग करते हैं, पीने के लिए हैव का प्रयोग करते हैं, कभी भी ड्रिंक का प्रयोग आजकल फैशन में नहीं है। ड्रिंक तुम दूध के साथ कर सकते हो, आई वुड ड्रिंक कॉफी, आई वुड ड्रिंक मिल्क। तो ड्रिंक के साथ कॉफी, ड्रिंक के साथ टी लगाना थोड़ा सा भद्दा लगता है, मैं ये नहीं कहता कि गलत होता है, थोड़ा सा भद्दा होता है। तो इस तरह से आप विल और वुड में एक माइनर डिफरेंस पैदा करेंगे। विल का प्रयोग फ्यूचर एक्शन नॉर्मल जो हो, जैसे मैं कल तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो, मैं कल पटना जाऊंगा, आई विल गो टू पटना टुमारो, सी विल कम टू हेयर, सी तो जहां भी हो, सी विल गो देयर, सी विल कम हेयर, सी विल इट मैंगोज, तो कुछ भी बोलना हो तो वहां पर आप प्रयोग कर सकते हो विल का। बट सिलेक्शन
और च्वाइस हो तो वहाँ पे क्या प्रयोग करोगे, वुड का, आई वुड टेक टी, आई वुड टेक कॉफी, आई वुड ड्रिंक मिल्क, तो इस तरह से आप प्रेफर कर सकते हो। अब सेकेंड यूज में क्या देखा, विल का पास्ट वुड होता है। अगर विल का कोई पास्ट बोलना हो, ध्यान रखना विल का पास्ट वुड इन डायरेक्ट स्पीच में, ध्यान देना विल का पास्ट वुड होता है कहाँ होता है भाई, इन डायरेक्ट स्पीच में, इन डायरेक्ट स्पीच में। आप जब टेंस पढ़ोगे, वॉइस पढ़ोगे, नरेशन पढ़ोगे, तो नरेशन में इन डायरेक्ट स्पीच होता है, तो इन डायरेक्ट स्पीच में वुड का, विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो वुड होता है और कहीं नहीं होता। हमने वुड को तो प्रेजेंट में ही पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ विल का पास्ट अगर कोई बताना हो तो वुड से प्रयोग करते हैं। जैसे ही टोल्ड मी ये हो गया पास्ट, तो ही टोल्ड मी क्या हो गया पास्ट, तो दैट ही वुड, अगर यहाँ पे वुड के बदले में मैं विल लगा दूँ, क्या लगा दूँ, विल लगा दूँ, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही विल गो टू प्ले, तो ही विल गो टू प्ले गलत हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि विल जो है वो पास्ट इंडिकेट नहीं कर पाता, इसलिए विल के बदले में यहाँ पे वुड का प्रयोग करना अच्छा होगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पास्ट है, तो फर्स्ट क्लाउज यदि पास्ट होता है नरेशन में तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट टेंस में ही होता है। तो ये हमने क्या देखा, ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू प्ले, तो विल का पास्ट वुड। एक्सप्लेन करते हैं जब आपको पढ़ाऊंगा नरेशन, तो वहां पे और बेहतर समझ में आएगा। वुड का प्रयोग बेसिकली मैं आपको एक एक चीज चाहता हूं सिखाना कि ताकि दोबारा आपसे कोई आंख मिलाकर बात ना कर पाए। हमेशा आप एक चीज जानो, डिटेल जानो। यहां पे हमने कहा पोलाइट रिक्वेस्ट में, अगर आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो तो वुड का प्रयोग करो। वुड का प्रयोग करते हैं कहाँ भाई, जब कोई से पोलाइट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। अगर पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं भी करते हैं, पोलाइट के रूप में बात करते हैं, अगर रिक्वेस्ट वर्ड नहीं भी हो, किसे पोलाइटनेस बात करते हैं, किसे आदर पूर्वक बात करते हैं, तो वहाँ भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा सर, तो सबसे पहले आप वुड लगाना, वुड के बाद सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना और प्लस फिर अदर वर्ड दे देना, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब आपको अगर प्लीज लगाना है तो ध्यान देना, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा है, प्लीज का प्रयोग कभी भी लास्ट में मत करना, गलत होगा। यहां प्लीज नहीं आएगा, जब भी प्लीज आएगा तो सब्जेक्ट के बाद प्लीज आएगा, यह भी आपके लिए कॉन्सेप्ट है। तो जब भी प्लीज लगाना हो तो कहां लगाना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद प्लीज का प्रयोग आप कर सकते हो। क्लियर बच्चे, तो वुड यू प्लीज का प्रयोग करना है दिमाग फिर को, ऐसा नहीं कि वुड यू हेल्प मी प्लीज, गलत हो जाएगा, है ना। तो जब भी आपको वुड का प्रयोग करना है तो ध्यान देना, यस ध्यान रखो, तो वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, पोलाइटनेस में। जैसे हमने कहा वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो यहाँ पे पास्ट नहीं है, ये भ्रम मत रखना। ये वुड का, विल का पास्ट बस एक ही वाक्य में होता है, कहाँ, इन डायरेक्ट स्पीच में, और कहीं पास्ट नहीं होता। इताब किताब छोड़ो, दुनियादारी छोड़ो कि सब लोग कहता है विल का पास्ट वुड, एक ही वाक्य में तो होता है और कहीं होता ही नहीं। तो अगला कॉन्सेप्ट ये दिख रहा है कि वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, ये तो प्रेजेंट है, आप किसी से बोल रहे हो क्या आप मेरी मदद करोगे, क्या आप मेरा हेल्प करोगे, क्या आप 500 रुपया उधार दोगे। तो जब भी आप किसी से पोलाइट की बात करो, क्या आप मेरे साथ फोटो खिंचवाओगे, क्या आप अपना नाम बताओगे, क्या आप ये काम करोगे, तो जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट का बोध करना हो मेरे बच्चे, तो आप किसका प्रयोग करो, वुड का। जैसे वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे, वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, क्या आप अपना किताब उधार दोगे, वुड यू टेल मी योर नेम, क्या अपना नाम बताओगे, वुड यू टेल मी योर एड्रेस, क्या आप अपना एड्रेस बताओगे। तो आप किसी से अगर पोलाइट, वुड यू टेल मी योर फोन नंबर, वुड यू टेल मी योर नेम, वुड यू टेल मी योर एड्रेस, वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, वुड यू प्लीज हेल्प मी, तो सब लिख लो, स्नैपशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आप देख लो यहां तक आगे बढ़े, मैं एक एक करके आज आपके दिमाग में डाल ही दूंगा सब चीज। हमने कहा अगर आप चाहूंगा बोलना चाहते हो, जैसे चाहूंगा क्या पसंद है, जैसे मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, मैं आपसे मिलना चाहूंगा, मैं आपका भविष्य जानना चाहूंगा, मैं आपसे प्यार करना चाहूँगा, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, मैं आपके साथ खेलना चाहूँगा, मैं वहाँ जाना चाहूँगा, मैं चाय पीना पसंद करूँगा, मैं सुबह से शाम
प्यार करना चाहूँगा, तो जहाँ भी चीज़ हो आपको चाहूँगा, अगर चाहूँगा बोलना हो तो आप वुड लाइक टू का प्रयोग करना। क्या करना? वुड लाइक टू, चाहूँगा। इसको अगर सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज आएगा प्लस बट, मैं तुमसे मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू लव यू, मैं तुमसे प्यार करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्ट टू डाउन, मैं सुबह से शाम तक तुम्हें प्यार करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू नो योर एड्रेस, मैं तुम्हारा एड्रेस जानना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूँगा। तो जहाँ भी चाहूँगा बोलना हो ना, तो आप वुड लाइक टू का प्रयोग कर सकते हो। बच्चे आप के लिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट लिख लेता हूँ, ताकि आप फटाफट वीडियो को नोट डाउन कर लें, आप देख लें और सीख जाए अंग्रेजी। मेरा लक्ष्य यही है कि मैं आपको जितना भी सिखाऊं 100% सिखाऊं, और वही लिए मैं बताऊं। अब इसको अगर आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, वुड यू लाइक टू टेक, वुड यू लाइक टू लव मी, वुड यू लाइक टू सिट विथ मी, तो वुड यू लाइक टू है ना, इसी को आप कह सकते हो, वुड आई लाइक टू मीट यू टुमारो, वुड यू लाइक टू, तो यहाँ पे वुड यू लाइक, आप चाहो तो ज़्यादातर यू का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हो, वुड यू लाइक टू सीट विथ मी, वुड यू लाइक टू लव विथ मी, वुड यू लाइक टू, कुछ तरह से है ना। तो इस तरह से जितना भी आप चाहो सेंटेंस बना सकते हो। वुड लाइक टू ज़्यादातर हम इसका प्रयोग करते हैं, आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो, आई वुड लाइक टू सीट, है ना। तो हमने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है, आप इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हो। आपको बताऊं बच्चे, वुड का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में भी करते हैं। कंडीशनल क्या है, मैं तो चाह रहा हूं पूरा दे देना आपको ना, मैं कुछ बचाना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा आपके दिमाग में हर एक चीज डाल दूं। वुड का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। आप कंडीशनल अलग से ढूंढ रहे हो, नहीं, वुड का प्रयोग कंडीशनल, कंडीशन का मतलब होता है डबल शर्त, दो शर्त। कैसे, ये ध्यान दो, इफ का प्रयोग, यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाए, यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब, इफ का मतलब यदि तुम पढ़ते है ना, इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। यदि तुम पढ़ते तो पास करते, यदि तुम दिल्ली जाते तो लाल किला देखते, यदि तुम दिल्ली आते तो डीएसएल में क्लास करते, तो इफ यू केम टू दिल्ली यू वुड टेक द क्लास इन द डी एस एल, यू विल टेक क्लास इन द डी एस एल, है ना। इफ यू स्टडी इंग्लिश इन द डी एस एल यू वुड पास एस एस सी, है ना। तो इफ यू वेन टू आगरा, इफ यू वेन टू दिल्ली यू वुड सी द रेड फोर्ट, यू वुड सी द ताजमहल। तो इस तरह से आप बना सकते हो, है ना। एग्जाम्पल अभी लिख दिखाता हूँ। हमने कहा इफ यू वेन टू आगरा, इफ यू वेन टू आगरा you would see the Taj Mahal, ठीक है बच्चे। तो if you went to Agra you would see the Taj Mahal, तो आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हो। if you came to me, यदि तुम मेरे पास आते, I would help you, मैं तुम्हारी मदद करता। तो ये पास्ट का शो करता है, लेकिन कंडीशन शो करता है। तो कंडीशन बताने के लिए आप वुड का प्रयोग कर सकते हो, शर्त बताने के लिए वुड का प्रयोग कर सकते हो। इसी का सेकंड यूज देखो फटाफट, आप देखो इस सबको लिख लो, मैं एक नहीं आप हजार एग्जाम्पल बोलो, हजार। स्ट्रक्चर आपका सही है, इस स्ट्रक्चर से आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हो। कैसे, जब जस्ट पास्ट हो, क्या हो बेटा, जस्ट पास्ट। जस्ट पास्ट का मतलब होता है कि वह सेंटेंस जो अभी अभी समाप्त हुआ हो। यदि तुम उससे मिलते, यदि तुम उससे मिलते तो मैं तुम्हें पढ़ाता। इफ यू मेट मी, इफ यू मेट मी आई वुड टीच यू, आई वुड टीच यू इफ यू मेट मी, हुआ क्लियर। अगर देखो, यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री, इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री, तो आने वाले क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री का प्रयोग करते हैं। याद कैसे रखोगे, यहाँ पे वी थ्री तो यहाँ भी वी थ्री, दोनों साइड में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसको ध्यान रखना। हैड प्लस वी थ्री, वुड हैव प्लस वी थ्री, तो ये याद करने का है। ये हो गया मोर पास्ट। क्या हो गया बच्चे, मोर पास्ट। वीडियो को दो बार देखो, तीन बार देखो, चार बार देखो, पॉज करके देखो, रोक करके लिखो, लेकिन सीखो जरूर। ये क्या शो करता है, मोर पास्ट। मोर पास्ट क्या होता है सर, जो घटना बीत चुका अब नहीं हो सकता कुछ काम। जैसे यदि तुम पढ़े होते
तो आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते। यदि तुम अंग्रेजी पढ़े होते तो पास हो गए होते। यदि पुलिस थोड़ी देर पहले आई होती तो क्रिमिनल भागे नहीं होते। इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर द क्रिमिनल्स वुड नॉट हैव फ्लेड अवे। इफ यू, देखो मैं लिख दे रहा हूं, इफ यू स्टडीड इंग्लिश, इफ यू स्टडीड, अब यू के बाद स्टडीड कर दिया तो ये हो जाएगा इफ यू हैड स्टडीड, इफ यू हैड स्टडीड, इफ यू हैड स्टडीड इन द DSL, इफ यू हैड स्टडीड इन द DSL यू वुड हैव succeeded. If you had studied in the DSL, you would have succeeded. तो आप इस तरह से यदि तुम अंग्रेजी DSL में पढ़े होते तो तुम सफल हुए होते, दिखाई पड़ रहा है सबको। तो इस तरह से आप एक एक चीज जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूं कि हजारों एग्जाम बनाओ। अब कंडीशन नंबर 3 देखो, शायद कंडीशन 3 आपको पता भी होगा, जिसको हम बोलते हैं कि यदि इफ के साथ सब्जेक्ट लगाया, यहां पे लगा दिया वर, वर का बाद नाउन लगा दिया, अदरवर लगा दिया, है ना, कल्पना कर दिया, तो आने वाले क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वीवन लगाते हैं। इसमें क्या होता है हिंदी भाई, इसका सेंस हुआ सर कास। कास का मतलब कल्पना। कास तुम पढ़े होते तो पास किए होते। कास मैं राजा होता तुम मेरी रानी होती। कास मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड, if I were a bird, I would fly in the sky. If I were a king, काश मैं राजा होता, I would make you my queen. है ना, तो इस तरह से आप बना सकते हो। If I were a king, यदि मैं राजा होता, काश मैं राजा होता, I would make you my queen. तो मैं तुम्हें अपना रानी बना लेता। तो जितना भी कल्पना कर सकते हो, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, If I were you, If I were you, I would not say so. यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं कहता। If I were you, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, I would not say so. तो आप लिख रहे हो ना सब, अंग्रेजी आप लिख रहे हो ना, क्योंकि मैं इतना बोल रहा हूं आपके लिए। हजार एग्जाम्पल बना सकते हो, मेरे एक एग्जाम्पल देने से काम नहीं चलेगा। हमने एग्जाम्पल दिया, स्ट्रक्चर दिया, हथियार दिया, आप इसके माध्यम से यूज करना सीखे। हजार एग्जाम्पल बोलें, मेरे एक एग्जाम्पल पे आश्रित ना हो। आप एक एक सेंटेंस का, एक एक कंडीशनल का आप हजारों स्ट्रक्चर बनाए। इस पे अभी बहुत सारे चीज पढ़ाना है बोर्ड में, अभी और पढ़ाऊंगा और काम करूंगा, बस आप देखते जाओ। इसके साथ मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में काम करता हूं। चूंकि आप धीरे धीरे सीखो, आराम आराम से सीखो, और इस एक बात ध्यान रखो, अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो ना, तो अब दूर नहीं है, दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे पढ़ सकते हो। दिल्ली आना चाहते हो तो अब दिल्ली दूर नहीं है, अब दिल्ली आ करके भी क्लास कर सकते हो। कमिंग डेट में जो भी बैच हो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए हमेशा काम कर रहा हूँ। इस वीडियो को क्रांति की तरह पूरे भारत में फैला दो, और हर बच्चे को सिखाओ कि विल और वुड में क्या अंतर है, कैसे पढ़ना चाहिए अंग्रेजी, कैसे सीखना चाहिए अंग्रेजी, कैसे बोलना चाहिए। मैं आपको बोलने के लिए सिखा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।